दो फ्राइडे यानी कि 3 मार्च यानी कि कल को क्रीड का पार्ट 3 आ रहा है और हमने रॉकी के 6 पार्ट्स के ऊपर बात तो कर ली है, लेकिन अब भी क्रीड के 2 पार्ट रह रहे हैं जिन पे हम आज बात करने वाले हैं। और अगर आपने बाय चांस रॉकी का रिकैप और रिव्यू मिस करा है हमारा तो ऊपर आ रहा होगा, जाकर देख लेना। बात करें क्रीड की तो क्रीड के 2 पार्ट आए हैं। सबसे पहला 2015 में जिसको बनाया था रियान कोहलर ने, जिनकी मूवीज हैं ब्लैक पैंथर 1 और 2। और इसका पार्ट 2 आया था 2018 में जिसको बनाया है स्टीवन केपल जूनियर ने। इस सीरीज के मेन लीड में हैं माइकल बी जॉर्डन, सिल्वेस्टर स्टैलोन, टेसा थॉमसन और फिलिशा रशायद। तो अब बात करते हैं क्रीड 1 की कहानी की। तो ये कहानी है क्रीड के बेटे की जिसका नाम है एडोनिस क्रीड, जिसको बचपन से बॉक्सिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो जानता नहीं था कि उसके पापा अपोलो क्रीड हैं। लेकिन फिर बाद में वो ये बात जानता है और बड़ा होकर जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी को वो छोड़ देता है ताकि वो बॉक्सिंग में अपना करियर परसू कर सके। और बस फिर वो पहुंच जाता है फिलाडेल्फिया, जहाँ पे वो मिलता है रॉकी से और वो उससे बोलता है कि अंकल मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे पापा के दोस्त हैं, मैं उनका बेटा हूँ और प्लीज आप मुझे बॉक्सिंग सिखाइए। जिसके लिए रॉकी पहले मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो सोचता है, समझता है और फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा कोच बनूंगा। और बस फिर रॉकी क्रीड को ट्रेन करता है और इस बीच में उसे प्यार भी होता है। और बस फिर इस तरह से रॉकी और क्रीड इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और ये दोनों बडीज बन जाते हैं। लेकिन मूवी के बीच में हम ये देखते हैं कि रॉकी को कैंसर है, लेकिन वो इलाज के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद मूवी का एंड बड़ा प्यारा होता है। बेलबोआ की हेल्प से क्रीड अपनी लाइफ का पहला बिग मैच खेलता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता। लेकिन फिर भी इस हार में उसकी लाइफ की एक बहुत ही बड़ी जीत साबित होती है। उसका ये मानना था कि लोग ये ना जाने कि मेरे पापा कौन थे और मैं अपने पापा के नाम से ना जाना जाऊं, और एंड में यही होता है। हालांकि सब जान जाते हैं कि ये किसका बेटा है, लेकिन फिर भी एडोनिस क्रीड मूवी के एंड में अपनी पहचान बनाता है। और बस इसी के साथ इस मूवी का ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आता है क्रीड पार्ट 2, जहाँ पे शुरू में एक फाइट आती है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्रीड अब बन गया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन क्रीड का उसके पापा का एक दुश्मन है पुराना जो वापस आ गया है और उसका नाम है ड्रैगो। हाँ भाई वही जिसके हाथों पार्ट 4 में अपोलो की मौत हो गई थी। यानी कि हाँ अब इस मूवी में ड्रैगो और अपोलो इन दोनों के बेटे फाइट करते हैं, जिसके बाद फाइट नंबर 1 में एडोनिस हार जाता है, लेकिन फाइट नंबर 2 में वो कमबैक करता है और वो जीत जाता है। लेकिन इस सब के बीच हम देखते हैं एडोनिस की पर्सनल लाइफ, उसकी वाइफ, उसकी शादी, उसकी बेटी। अब इन सब बातों से उसकी लाइफ पे, उसकी बॉक्सिंग पे, उसकी फाइट पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये बात इस मूवी में दिखाई गई है। तो भाई बस ये कहानी थी क्रीड पार्ट 1 और पार्ट 2 की। अब आते हैं मेन बात पे कि सीरीज पे मेरे व्यूज क्या हैं। तो भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे मन में जो प्यार, जो रिस्पेक्ट रॉकी के लिए है, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट इस मूवी के लिए भी है। ये मूवी, ये सीरीज मुझे बहुत पसंद आई भाई। हाँ ये बात सच है कि मैंने ये सीरीज फर्स्ट टाइम देखी, लेकिन भाई सही में ये सीरीज मुझे बहुत पसंद आई। और भाई सिंपल इसकी वजह है रॉकी। रॉकी में जो बातें जैसे थी, इस मूवी में, इस सीरीज में वही बातें बिल्कुल वैसे ही हैं। टारगेट पे, गोल पे फोकस रखना, ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं इन पे ध्यान मत दो। लाइफ में वैल्यूज, लाइफ मोरल्स, डिसिप्लिन, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस मूवी में ये बताया गया है। एक टीचर, एक स्टूडेंट, इनका बॉन्ड क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, वो चीज, वो बात हम यहाँ पे इस मूवी में देखते हैं। मतलब भाई रॉकी उस मूवी के लिए, उस सीरीज के लिए जो बातें मैंने कही थी, अगर मैं वही बात यहाँ पे सेम बोल दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मूवी रॉकी, अपोलो क्रीड, इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाती है और ये चीज ये मूवी प्राउडली कहती है। इस मूवी में, इस सीरीज में सबसे मेन बात यही है भाई, लेगेसी, अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाना एडोनिस का मेन मकसद यही है। और इस मूवी की मेरे लिए जो बेस्ट बात है वो है माइकल बी जॉर्डन, उनकी कास्टिंग, उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस भाई कमाल कर दिया, झंडे गाड़ दिए। भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन वो बने हैं रॉकी के लिए, रॉकी बना है उनके लिए, ठीक वैसे ही माइकल बी जॉर्डन वो बने हैं क्रीड के लिए और क्रीड बना है उनके लिए। भाई सही में आप एक बार ये मूवी देखो, माइकल बी जॉर्डन ने हर सीन में, हर फ्रेम में, हर फाइट में कमाल कर दिया है। बॉक्सिंग करते हुए, लड़ते हुए उनकी आंखों में एक जुनून होता है और वो जुनून, वो पैशन हम साफ साफ देख पाते हैं भाई, वो जुनून, वो पैशन उनकी आंखों में दिखाई देता है। सही में यार दोनों पार्ट देख के मेरे मन में बस एक बात आई कि भाई कैसे इतने आराम से इस रोल को कोई कैसे निभा लेगा। माइकल बी जॉर्डन क्रीड सीरीज की जान है भाई, उनके बिना इस सीरीज में कुछ भी नहीं है।
ये सीरीज उनके बिना अधूरी है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पार्ट 3 को बनाने वाले वही है, तो हाँ भाई इसका मतलब साफ है कि पार्ट 3 में मजा आने वाला है। और इनके अलावा सिल्वेस्टर स्टैलोन, टेसा थॉम्पसन और क्लिशा रशेद, इन सब का काम बहुत बढ़िया था भाई। 73 साल की उम्र में ऐसी एक्टिंग करना आसान काम नहीं है, लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन सर ने इस मूवी में कमाल कर दिया। पहले रॉकी एक बॉक्सर, एक फाइटर, एक चैंपियन, एक फैमिली मैन, और अब रॉकी एक कोच, एक मैनेजर, एक अंकल, एक फादर। मैंने पहले भी कहा था और मैं एक बार फिर कहूंगा, ही इज अ लेजेंड। और हाँ भाई, मुझे पहली बार हमारी वेलकरी पसंद आई है। थॉर मूवीज में उनका रोल, वो किरदार, उनकी एक्टिंग मुझे बेकार लगती है, लेकिन हाँ क्रीड में उनका रोल, वो किरदार, उनकी एक्टिंग सब कुछ बढ़िया था। बाकी बस भाई मैं क्या ही बोलूं, क्रीड भी रॉकी की तरह एक बेहतरीन सीरीज है। इस मूवी में, इस सीरीज में सब कुछ है भाई, सब कुछ। एक्शन, ह्यूमर, कॉमेडी, इमोशन, फैमिली वैल्यूज, लाइफ मोरल्स, डिसिप्लिन, सब कुछ है। लेकिन हाँ भाई, ये सीरीज बेस्ट है, इसमें कोई गलती कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रॉकी का लेवल अनमैचेबल है भाई। ये सीरीज अपने आप में कमाल है, लेकिन रॉकी में जो बात थी वो बात इस मूवी में कभी नहीं आ पाएगी भाई। बुरा मत मानना भाई, लेकिन ये मूवी बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन रॉकी में एक वाइब थी, एक फील थी, लेकिन वो फीलिंग इस मूवी में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम और एक बार फिर बोलूंगा, ये सीरीज बेस्ट है। बाकी इस मूवी पे आपके थॉट्स क्या हैं बताना मत भूलना भाई। और अगर आपने बाय चांस क्रीड नहीं देखी है तो भाई प्लीज देखो, ये मूवी अवेलेबल है Amazon Prime पे। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और भाई प्लीज शेयर भी कर दो, और फिर Instagram, Twitter जहां मन करे वहां फॉलो कर लो, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो दबा के ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो, और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।